तो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि दो दिन होने की वजह से दिवाली की तारीख को लेकर जो संशय बना हुआ है उसको लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म संकाय में ज्योतिष विभाग समेत संकाय के दूसरे विभागों के विद्वानों की भी बैठक हुई और सबने मिलकर दिवाली की तारीख को लेकर मंथन भी किया। उसके बाद ही बैठक में 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व मनाने का निर्णय लिया गया है और इसके पीछे गणितीय मानों और धर्मशास्त्री वचनों को आधार बनाया गया है और फिर दृश्य और पारंपरिक दोनों मतों से 31 अक्टूबर को दिवाली मनाना तय किया गया है। तो आइए जानते हैं दिवाली की तारीख को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वानों का क्या कहना है। ज्योतिष प्रकोष्ठ के सभी विद्वानों ने काशी के सभी पंचांगकारों को बुला करके और सभी विद्वानों की सहमति से निर्णय लिया गया है कि दीपावली का ये पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा, क्योंकि उस दिन जो अमावस्या है वो प्रदोष व्यापनी है और अर्धरात्रि व्यापनी है। अर्धरात्रि व्यापनी अमावस्या को दीपावली में लेने का हमारे सभी शास्त्रों में विधान है, इसलिए दीपावली का पर्व अर्धरात्रि व्यापनी प्रदोष व्यापनी अमावस्या 31 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए ये महापर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। काशी के सभी पंचांगों में एक मत हो गया है और अब हम लोग बाहर के पंचांगकार बंधुओं से भी हम लोग सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, सबको आहूत करेंगे अग्रिम दिवसों में और सबको बुला करके और एक मत हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित ही प्रदोष काल से पहले अमावस्या 31 तारीख को प्रारंभ हो जा रही है, पूरी रात मिल रही है तो विवाद का आवश्यकता ही नहीं है। 31 तारीख को प्रदोष से लेकर अर्धरात्रि के पूरी रात्रि तक अमावस्या है, इसलिए यहाँ कोई विवाद नहीं है। अब विवाद उसमें पैदा किया गया कि थोड़ा सा प्रदोष स्पर्श कर रही है दूसरे दिन अमावस्या को, तो उस दिन लोगों ने मनाने के निर्णय कर लिया है कुछ क्षेत्रों में जो हम लोगों की दृष्टि से उचित नहीं है। दीपावली का जो समय हो तिथि है वह 31 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को होगा और इस दिन जो पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त है जिसमें आप पूजन कर सकते हैं, साथ में घर में दीप दान कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, वह समय होगा वृष लग्न 6:11 प्रदोष काल से लेकर 8 बजे तक जो श्रेष्ठ मुहूर्त है और उसके बाद 5:22 से लेकर 8 बजे तक शुभ चौघड़ियां भी प्राप्त हो रही हैं, तो यह एक बहुत उत्तम समय है। दीपावली की बात करते हैं, मेरी दृष्टि से 1 तारीख को दीपावली मनाया जाना चाहिए और दीपावली में क्योंकि प्रदोष काल प्रारंभ हो जाएगा 5:35 से लेकर के 8:14 रात्रि तक प्रदोष काल व्याप्त रहेगा, लेकिन कुछ समय रोग की चौघड़िया होने के कारण रात्रि को 7:14 से लेकर के और 8:14 तक अगर मनाया जाएगा दीपावली में रात्रि में घर में पूजन किया जाए वो सबसे शानदार होगा। 7:14 से लेकर के 8:14 का जो समय सायंकाल का है इस समय सबसे बेहतरीन है घर की पूजा के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं।